गुड मॉर्निंग बच्चों, पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। प्रैक्टिकल में आज हम लोग देखेंगे टी ज्वाइंट। ज्वाइंट में कई प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे उस ज्वाइंट का नाम क्या है, टी ज्वाइंट। नाम से ही पता चल रहा है टी ज्वाइंट, जो अल्फाबेटिकल अक्षर में जो टी होता है उसी आकार का होता है, इसलिए उसका नाम है टी ज्वाइंट। आज हम लोग टी ज्वाइंट जो देखेंगे या करके देखेंगे, तो उसके लिए जो टूल्स और मटेरियल की आवश्यकता होगा उसके बारे में भी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो जो टूल्स की आवश्यकता होगा, कम्युनिकेशन प्लायर चाहिए, वायर कटर चाहिए, स्केल चाहिए नापने के लिए स्केल। जब भी हम लोग इंसुलेशन को हटाएंगे या वायर को काटेंगे तो स्केल के द्वारा नाप कर काटा जाता है, इसलिए स्केल भी चाहिए। फिर SWG स्टैंडर्ड वायर गेज चाहिए, जितना SWG का वायर आता है उसके नापने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज रखते हैं। अब टी ज्वाइंट जब बनाना हो तो वायर लेंगे, वायर में मान के चलिए कि हम 30 सेंटीमीटर को स्केल द्वारा नाप कर वायर काट लिए। वायर की लंबाई कितना है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। वायर की लंबाई कितना है, 60 सेंटीमीटर। फिर उसको दो भाग में डिवाइड किए, देखिए 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का दो भाग में डिवाइड किए। वायर को बीच से काट कर जो मेरा 60 सेंटीमीटर लंबाई का एक वायर लिए थे उसको दो भाग में काट कर 30 सेंटीमीटर एक वायर बना दिया और 30 सेंटीमीटर एक वायर बना दिया गया। उसके बाद 30-30 सेंटीमीटर का जो वायर दो टुकड़ा में हो गया, उसको फिर एक टुकड़ा को बीच से इंसुलेशन 10 सेंटीमीटर हटा दिया गया। देखिए बीच से एक टुकड़ा में इंसुलेशन 10 सेंटीमीटर हटा दिया गया और दूसरे टुकड़े में इंसुलेशन 15 सेंटीमीटर हटा दिया गया, जो स्केल के द्वारा नाप के हम लोग करेंगे। इंसुलेशन को हटाएंगे, अब जो बीच वाला जो एक टुकड़ा है जिसमें बीच वाला इंसुलेशन हटा दिया गया है वही एक टुकड़ा है, और दूसरा टुकड़ा जिसमें 15 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटा दिया गया है उसको नीचे रखकर जो वायर में जितना भी तार की संख्या है, छोर की संख्या है, वो कितना है, 7 है। देखिए यहाँ लिखा गया है वायर कौन सा लिया गया है, 7x20, मतलब 7 को वायर, 7 को उसमें कॉपर का वायर रहेगा, जो अंदर में छोर होगा वो 7 को होगा, और कितना SWG का होगा, तो 20 SWG का वायर लिए हैं, ठीक है, 7 छोर वाला लिए हैं। तो इसमें जो 7 छोर है उसको दोनों तरफ 3 छोर और 3 छोर अलग अलग कर लेंगे और एक छोर को अलग कर देंगे और दूसरे टुकड़े को बीचे बीच लगाएंगे, और जितना छोर को 3 को अलग किए हैं और इधर वाले 3 को अलग किए हैं उसको फिर बिना गैप के, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, और टर्न के रूप में उसको लपेटेंगे, ठीक है। 3 छोर को एक तरफ लपेटेंगे और 3 छोर के एक तरफ लपेटेंगे और दोनों एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, मतलब एक आगे की तरफ लिपटा रहा है और दूसरा पीछे की तरफ लिपटाना चाहिए,
ठीक ना, टर्न्स की संख्या क्या होगा, पीछे और एक आगे की ओर, और एक जो छोर बचेगा वो नीचे वाला पार्ट में लिपटा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मेरा टी जॉइंट जो है तैयार हो गया, बन गया। और टी जॉइंट हम लोग को सभी जगह प्रयोग होता है, जो बिजली विभाग में वर्क करते हैं, 33,000 हो गया, 11,000 हो गया, 33,000 वोल्ट में, 11,000 वोल्ट में, इत्यादि में ये सब जॉइंट बनाया जाता है। और इस प्रकार मेरा पी जॉइंट बन गया। अब हम लोग इसको आगे प्रैक्टिकली रूप में, वास्तविक रूप में करके देखेंगे। अब हम लोग देखिए, वायर ले लिए हैं 60 सेंटीमीटर, उसको दो भाग में कर दिया गया है, 30 इधर और 30 इधर। ठीक है, और ये जो है हम लोग स्केल से पहले ही नाप चुके हैं, नाप कर इसका इंसुलेशन हटा दिया गया है, और इसको हम लोग डायरेक्टली करके देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 7x20 वायर की मतलब हुआ कि 7 छोर होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 7 छोर है। ठीक है, 7 छोर, 7x20 का मतलब 7 को इसमें कॉपर वायर होना चाहिए। देखिए 7 को है कॉपर वायर। ठीक है, और इसमें हम लोग इस तरह से बीचों बीच लगाएंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से बीचों बीच लगाएंगे, एक टर्न को छोड़ देंगे और बाकी टर्न जो इधर दिया गया है इसको इस प्रकार से घुमाएंगे। देखिए घुमाते समय ध्यान देना है कि बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से घुमाएंगे और इधर वाला टर्न भी घुमा लेंगे एक दूसरे के उल्टा, ये आगे की ओर घूम रहा है तो एक पीछे की ओर घूमेगा। देखिए इस तरह से इस तरह से, और इसमें भी हम लोग इस तरह से घुमा लेंगे। और ये नीचे वाला एक छोर जो आ रहा है इसको नीचे टर्न कर देंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए को टर्न करके, अब देखिए इस तरह से हम लोग वायर को लपेट कर और ये टी जॉइंट को तैयार किया गया। इसमें हम लोग टी जॉइंट बनाते समय ध्यान देना है, ये जो हम लोग टर्न किए हैं ये गैपिंग नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से सटीक, मतलब सटा हुआ होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार मेरा टी जॉइंट बन के तैयार हो गया। और ये जॉइंट देख सकते हैं बहुत मजबूती के साथ ये निकल भी नहीं सकता है, किसी तरह से इसको खींचिए, निकालिए, तोड़िए, नहीं टूटेगा, नहीं खींचाएगा। अब मेरा टी जॉइंट बन के तैयार हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ओके।